अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ड्रामा क्वीन। आप मेरे चैनल पर आए हैं तो अल्लाह आपको वो कार दे जो चाबी से चलती है और पू पू भी करती है। तो फिर मेरी वीडियोस इन तक देखना, स्किप मत करना, बड़ा मजा आएगा। इतनी बार शादी की दुआ करती हूँ, आप जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, फरिश्ते कहते हैं काकी तेन और कोई कम नहीं जी, मुझे 200 रुपए का लोड भेज दो प्लीज। मैं तो खुद 2 रोटियां पकवाकर एक खाती हूँ ताकि सूखी रोटी बेचकर पैकेज लगवा सकूँ। No. मैं बर्तन धो रही थी, एकदम एक प्लेट ने खुदकुशी कर ली। फिर क्या, मैंने भी सबसे छुपा के लाश ठिकाने लगा दी। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ा ही नहीं रहा, लगता है गर्मी से बेहोश हो गया है। आलू ले, मटर ले, गोभी ले, गाजर ले, बाकी जो मर्जी ले, बस मेरे नाल पंगा ना ले। अगर कोई जलता है तो कसम खुदा दी हमारा भी फर्ज बनता है कि जला जला के उसे कोयला कर दें। इंग्लिश के साथ साथ अपने बच्चों को उर्दू की भी तालीम दिया करें ताकि ये ना हो कि जब वो उर्दू बोले तो आपकी कांपें टाम जाए। अगर आपकी अम्मी नहीं मान रही तो अपने महबूब को डिटॉल से धोएं, क्योंकि माँ माने डिटॉल का धुला। अबे यहाँ जमीन नहीं कांपते, यहाँ तो कांपे टाम जाते हैं। जो छत्तर खा खा के स्कूल जाते थे, आज वो भी स्टेटस लगाते हैं आई मिस यू माय स्कूल। जब एक बिजली की तार को दूसरी बिजली की तार से प्यार हो जाए तो उसे करंट अफेयर कहते हैं। फारग बैठती सोचा आपको बता दूं। अम्मी ने कहा था 1 गिलास चावल और 3 गिलास पानी चूल्हे पर रख दो, अब इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। फिर कभी कभी मुझसे ऐसी चाय बन जाती है कि शाहजहान पी लेता तो मेरे हाथ ही कटवा लेता। कौन कौन चाय का दुपट्टा उतार कर किनारे पे टांग कर उससे बेहया करके मुंह लगाता है। मैं तो निकानामे पे साइन कच्ची पेंसिल से ही करूंगी, दूल्हा पसंद ना आया तो बाद में मिटा दूंगी। आज तो मेरा टीवी भी बोल रहा था मुझे बहन, अगर मोबाइल ही इस्तेमाल करना है तो मुझे किस खुशी में ऑन करती हूँ। No. मैं अपनी जिंदगी में बस एक बार आदा परवीन की पोनी करना चाहती हूँ, मेरी सादगी तो देखो मैं क्या चाहती हूँ। अब पता नहीं ससुराल जाकर मेरी सास बर्तन धोते वक्त गाना लगाने देगी भी या नहीं। आपको दिल से निकाला नहीं, आप तो अपनी टैटू पार्टियों की वजह से निकले हो। तो आप जिनके लिए रोते हैं वो किसी और के इनबॉक्स में हंसते होंगे। सोचती हूँ ऐसे वो कौन से सवाल थे जिन पर नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा था, उसने शर्मा के मेरे सवाल पर ऐसे गर्दन झुकाई मज़ा आ गया। आने वाली नस्लों का तो बेड़ा गर्क ही समझो, क्योंकि उनके सियाने बुजुर्ग हम ही होंगे। मैंने आज तक किसी को तंग नहीं किया, जब भी किया रच के जलील ही किया है। सच्ची सच्ची दसो क्या मेरी पोस्ट पर है, मेरी प्रोफाइल चेक की है? ओए होए होए शर्माओ मत, अगर नहीं चेक की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोज़ आपके पास भाग भाग कर आए। थैंक यू सो मच।